हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल लिटरेचर. दिस इज़ नेहा सुल्ताना एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पोएटिक डिक्शन जो क्रिटिकल थ्योरी में है. आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखने रहता है आपको फॉर 4 मार्क्स के लिए, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए. तो पोएटिक डिक्शन क्या होता है, मैं सिर्फ इस वीडियो में रीड करूँगी, दैट्स इट. पोएटिक डिक्शन रेफर्स टू द स्पेसिफिक स्टाइल एंड वोकैबुलरी दैट पोएट्स ऑफन यूज इन देयर वर्क्स टू क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव एंड आर्टिस्टिक लैंग्वेज. इट इन्वॉल्व्स द केयरफुल सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस टू कन्वे इमोशंस, इमेजेस एंड थीम्स इन अ पोएटिक एंड इमेजिनेटिव मैनर. हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट द पोएटिक डिक्शन. Elevated language. Poets frequently employ figurative language. Poetic diction often involves the use of elevated or heightened language. This means that poets may choose words and phrases that are more formal, archaic or figurative than everyday speech. This elevation adds a sense of grandeur and importance to the poem. Conciseness. Poetic diction often values brevity and conciseness. Poets aim to convey profound meanings using a minimal number of words. Each word is carefully chosen to carry weight and significance. Meter and rhythm. The choice of words in poetic diction takes into consideration the poem's meter and rhythm. Poets select words that fit the desired rhythmic pattern, which contributes to the musicality and flow of the poem. ये वीडियो यहीं पे एंड होती है. उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले. Or see you in the next video. Bye-bye.